बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम कुछ टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो दो टर्म्स को डिस्कस करते हैं उनमें आ जाती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन बेसिकली क्या चीज़ है? फ्लेक्शन का मतलब होता है मोड़, अब बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन इज डिक्रीज। वो बेंडिंग मूवमेंट जिसके अंदर बोन के अंदर जो एंगल डिवेलप हो रहा है वो डिक्रीज कर जाए तो वह हमारे पास फ्लेक्शन परफॉर्म होगी। डायग्राम की तरफ देखते हैं तो डायग्राम में देखें तो अपर लिम्ब के अंदर अगर हैंड को वो एंटीरियरली मूव कर रहा है तो फ्लेक्शन डेवलप हो रही है शोल्डर जॉइंट पे। इसी तरह हम अगर लोअर लिम्ब में उसकी एग्जांपल को देखें तो नी को जब वो पीछे की तरफ लेकर जा रहा है पोस्टीरियरली मूव कर रहा है तो नी जॉइंट के ऊपर भी फ्लेक्शन परफॉर्म हो रही है। इसी तरह हम एक्सटेंशन को डिस्कस करते हैं। एक्सटेंशन का मतलब वर्ड जो है वो एक्सटेंड से निकला है, मींस कि लंबा करना। अ स्ट्रेटनिंग मोशन इन विच एंगल बिटवीन टू बोन इज इंक्रीज, वो वाली मोशन जिसके अंदर बोन के ऊपर जो एंगल है वो इंक्रीज कर रहा है उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे। डायग्राम की तरफ देखते हैं तो अपर लिम्ब के अंदर अगर हैंड को वो पोस्टीरियरली मूव कर रहा है तो शोल्डर जॉइंट के ऊपर एक्सटेंशन परफॉर्म हो रही है। और इसी तरह वो जब नी को स्ट्रेट कर रहा है तो नी के ऊपर जो है वो भी एक्सटेंशन परफॉर्म हो रही है। इसी तरह फिर हम आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं एबडक्शन मूवमेंट को और एडक्शन मूवमेंट को। एबडक्शन, एबडक्ट का मतलब है दूर होना, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, वो लिम्ब की वो मूवमेंट जो मिड लाइन से दूर लेके जाए वो एबडक्शन कहलाती है। डायग्राम की तरफ देखें तो अगर हैंड को हम बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करेंगे तो हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर एबडक्शन होगा। इसी तरह हम एडक्शन को डिस्कस करते हैं। एडक्शन जो है वो ऑपोजिट है एबडक्शन के। मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, वो मूवमेंट लिम्ब की जो उस लिम्ब को मिड लाइन के नज़दीक लाए वो हमारे पास एडक्शन कहलाती है। जैसे आप डायग्राम में देखें तो हैंड को जो है वो इनवर्ड मूव करेंगे तो हमारे पास एडक्शन परफॉर्म होगी शोल्डर जॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास जो टर्म है वो है रोटेशन की। अब रोटेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस, बॉडी पार्ट की मूवमेंट अपने लॉन्ग एक्सिस के इर्द-गिर्द रोटेशन कहलाती है। डायग्राम की तरफ देखें तो हेड के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है, मतलब अगर आदमी अपना हेड को लेफ्ट या राइट साइड पे मूव करेगा तो ये रोटेशन कहलाएगी, ठीक है। टू टाइप्स हैं, अगर फर्दर इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मीडियल रोटेशन के अंदर और लेटरल रोटेशन के अंदर। अब मीडियल रोटेशन क्या है? व्हेन द एंटीरियर सरफेस रोटेटेड मीडियली द मूवमेंट इज कॉल्ड द मीडियल रोटेशन। डायग्राम में देखें कि अगर हम फुट को इनवर्ड मूव करेंगे तो उसके ऊपर मीडियल रोटेशन हो रही है। लेटरल रोटेशन क्या है? इफ द एंटीरियर सरफेस रोटेट्स लेटरली द मूवमेंट इज कॉल्ड द लेटरल रोटेशन, और अगर हम आउटवर्ड मूव करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो हमारा लिम्ब के ऊपर लेटरल रोटेशन परफॉर्म होगी। नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे पास सर्कमडक्शन की। अब सर्कमडक्शन क्या है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द मूवमेंट, इसमें जो मूवमेंट की कॉम्बिनेशन है, मतलब फ्लेक्शन भी हो रही है, एक्सटेंशन भी हो रही है, एबडक्शन भी हो रही है और एडक्शन भी हो रही है, तो ये सारी मूवमेंट्स का जो मजमू है वो हमारे पास कहलाएगा सर्कमडक्शन। मूवमेंट ऑफ द लिम्ब हैंड फिंगर्स इन अ सर्कुलर पैटर्न यूजिंग द सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन एडक्शन एक्सटेंशन एंड एडक्शन मोशन, ठीक है। मिसाल आप एग्जांपल इसकी इस तरह से ले सकते हैं कि आप हवा के अंदर इमेजिनरी सर्कल डिवेलप करें हैंड का, तो वो देखें कि उसके अंदर आपकी लिम्ब की मूवमेंट भी हो रही है, आपके हैंड की मूवमेंट भी हो रही है और आपके फिंगर्स की मूवमेंट भी हो रही है एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर, तो उस चीज़ को हम सर्कमडक्शन कहलाएंगे, ठीक है। जब आप देखें डायग्राम के अंदर
आपकी अपर लिप के अंदर हैंड की आर्म की सर्कमडक्शन को शो किया गया है और लोअर लिम के अंदर लेग की सर्कमडक्शन को शो किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। अब प्रोनेट का मतलब है हाथ का उल्टा करना और सुपिनेट का मतलब सीधा करना, ठीक है। प्रोनेशन मीन रोटेशन ऑफ द हैंड एंड द फोरआर्म सो दैट द पाम फेसेस बैकवर्ड्स और डाउनवर्ड। हैंड की और फोरआर्म की रोटेशन इस तरह से हो कि जो आपकी पाम साइड है वो नीचे की तरफ मूव करे, तो वो हमारे पास प्रोनेशन कहलाएगी। सुपिनेशन क्या है? रोटेशन ऑफ द हैंड एंड द फोरआर्म सो दैट द पाम फेसेस अपवर्ड। हैंड की और फोर आर्म की रोटेशन इस तरह की उसकी जो पाम है वो अपवर्ड मूव करें, तो वो हमारे पास सुपिनेशन कहलाएगा। अब टर्म आती है इन्वर्शन की और इवर्शन की। इन्वर्शन का मतलब है पाम का अंदर की तरफ मुड़ना। इन्वर्शन इज द मूवमेंट दैट टर्न्स द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड और मिडली। फुट मिडली अगर मूव करेगा तो वो इसके ऊपर इन्वर्जन हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास इवर्जन की। इवर्जन मतलब पाँव का बाएं की तरफ निकलना। अब देखिए टर्निंग द सोल आउटवर्ड और लेटरली। फुट अगर लेटरली मूव करेगा तो उसके ऊपर इवर्जन हो रही है, ठीक है। अब देखें डायग्राम की तरफ देखें तो डायग्राम में आपको एक नॉर्मल फुट शो किया गया है, फिर उसके बाद इन्वर्शन को आपके शो किया गया जिसमें आपकी सोल जो है वो थोड़ा सा मिडली रोटेट कर रही है और आपका फुट जो है वो इनवर्ड मूव कर रहा है। ये हमारे पास इन्वर्जन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ई वर्जन की, जिसमें फुट आपका लेटरली मूव करता है। नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन की और डोर्सी फ्लेक्शन की। अब प्लांटर फ्लेक्शन क्या है? द मूवमेंट इंक्रीजेज द एंगल बिटवीन द फुट एंड द लेग। वो वाली मूवमेंट जो कि फुट और लेग के दरमियान एंगल को इंक्रीज करेगी वो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन कहलाएगी। मतलब ये कि आपकी फुट के ऊपर फ्लेक्शन अगर हो रही होगी तो वो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन आ जाती है। द मूवमेंट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन फुट एंड द लेग इज कॉल्ड द डोर्सी फ्लेक्शन। वो वाली मूवमेंट जो कि एंगल को डिक्रीज करेगी फुट और लेग के दरमियान वो हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन करवाएगी। मतलब ये कि अगर फुट के ऊपर एक्सटेंशन परफॉर्म हो रही होगी तो उस तो हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन हो रही है फुट के ऊपर। अच्छा अब हमारे पास जो टर्म्स आती हैं वो है प्रोट्रैक्शन की और रिट्रैक्शन की। प्रोट्रैक्शन का मतलब है फॉरवर्ड मूवमेंट और रिट्रैक्शन का मतलब है बैकवर्ड मूवमेंट। किस चीज़ की फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट? ये शोल्डर गर्डल की मूवमेंट आ जाती है और ये जो दोनों मूवमेंट्स हैं ये बेसिकली शोल्डर गर्डल के ऊपर परफॉर्म हो रही होती हैं। मतलब स्कैपुला अगर दूर जाएंगे तो वो हमारे पास प्रोट्रैक्शन होगी और अगर वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वो हमारे पास रिट्रैक्शन होगी। नेक्स्ट मोमेंट आ जाती है एलिवेशन की और डिप्रेशन की। एलिवेशन क्या है? एलिवेट करना, किसी चीज़ को उठाना, रेजिंग अ बॉडी पार्ट। मतलब ये कि आप अपने कंधों का उछकाना, बेसिकली इज कॉल्ड द एलिवेशन। एंड डिप्रेशन लोअरिंग द बॉडी पार्ट, नीचे की तरफ लेकर आना बॉडी पार्ट को डिप्रेशन कहलाता है। और ये डिप्रेशन जो है ये ऑपोजिट है एलिवेशन के। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ऑपोजिशन एंड द रेपोजिशन। ऑपोजिशन में क्या है? बेसिकली ये दोनों मूवमेंट्स जो हैं ऑपोजिशन और रिपोजिशन, ये जो है वो आपके हैंड के मूवमेंट्स हैं। ऑपोजिशन अ स्मॉल हैंड मूवमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द थंब टचिंग द टिप्स ऑफ अदर डिजिट्स। मतलब ये कि आप अपना थंब लें और उसको इंडेक्स फिंगर के साथ, फिर मिडल फिंगर के साथ, फिर उसके साथ सब फिंगर्स के टिप्स पे अगर आप टच करेंगे तो ये आपके हमारे पास जो मूवमेंट होगी ये ओपोजिशन है। और ये ओपोजिशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है रिपोजिशन का। रिपोजिशन बेसिकली क्या है? द थंब मूव्स अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द अदर फिंगर। ये कि थंब जो है वो अदर फिंगर्स से की टिप से अवे जाए
तो वो हमारे पास रिपोजिशन आ जाता है, बेसिकली ये ऑपोजिट है ऑपोजिशन के। थैंक यू सो मच।